उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में महामाया स्टेडियम से गाजियाबाद में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं जो खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। इनकी प्रतिभा और उत्साह का अंदाजा इनकी प्रैक्टिस देखकर लगाया जा सकता है, जैसा कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्र छात्राओं की प्रतिभा को पहचानने और इनकी मदद करने के लिए कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक ऐसी पहल की गई है जिसमें जो लोग छात्र छात्राएं खासतौर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा खेलते हैं, उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाया जाए, नेशनल लेवल पे खिलाया जाए। इसी के चलते एक मुहिम चालू की गई है गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में, और जो महामाया स्टेडियम में ऑर्गेनाइज की गई है, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन गाजियाबाद की तरफ से यहां तमाम वो छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो प्रतिभाशाली हैं, जो अपने जीवन में खेल को लेकर काफी सजग हैं। कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं जिनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपको। बच्चों के प्रतिभा को आप समझ रहे हैं, बच्चे आगे बढ़े, यही क्यों आया मन में, किस तरीके की कार्रवाई है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और आपने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोग को दिया। एक्चुअली सर, बेसिकली क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस गेम को इतना प्रमोट करना चाहते हैं कि बच्चे खेलें, और हम ये चाहते हैं कि गाजियाबाद से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर यहां से निकले। तो उसकी इस पहल को करने के लिए हमने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट ये करवाया है।